सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी सभी ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे अनदर टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम जीके। डेफिनेटली आपको अपना स्कोर बताना है एंड A1 और 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपका कितना स्कोर रहा आउट ऑफ 20 क्वेश्चन डेफिनेटली। एंड इसका अगर PDF चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन डाउनलोड कर लेना होगा एंड वीडियो डेफिनेटली वॉच करना टिल द एंड। आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसी बेसिस पर मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। हाँ, जरूर है कि थोड़ा भी कैंडिडेट कम देखते हैं वीडियो मुझे, लेकिन कोई दिक्कत का सीन नहीं है। आप यहाँ पे वीडियो पे बने रहो भाई साहब, आपको जरूर फायदा होगा। एक दिन कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपका, मैक्स 15 मिनट में टेस्ट की तरह आपका कंडक्ट कराता हूँ। डेफिनेटली इससे आपको हेल्प होने वाला है। बाकी एज यूज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डायनामिक। डायनामिक एक वर्ड दिया हुआ है, इसका अपने को अपोजिट वर्ड बताना है। क्या बताना है? अपोजिट। अब डायनामिक का मैं हिंदी में बताऊं तो हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, लाइक जिसके पास कुछ ज़्यादा ही पावर होता है, ज़्यादा ही मतलब डायनामिक पावर मीन्स बहुत ज़्यादा क्षमता, पावर, एबिलिटी, एबिलिटी नहीं एनर्जी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसका यहाँ पे अपोजिट पूछ रहा है, तो स्टैटिक इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या अपोजिट हो जाएगा? स्टैटिक। क्योंकि स्टैटिक कैसे, आपने स्टैटिक वर्ड सुना होगा ना, स्टैटिक जीके, लाइक जो कभी चेंज ही नहीं होती, सेम का सेम, लाइक रिमेन वन, जिसे हम कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं, एक जगह पे जो रहे। तो इसका अगर मैं अपोजिट बोलूं तो स्टैटिक हो जाएगा। और भी जो वर्ड दिए हैं उसका मीनिंग बता देता हूं। स्टिल लाइक अब तक होता है, स्टेबल आप अभी स्टेबल हो, स्टेबल लाइक होता है स्थिर, स्टेबल मतलब क्या होता है? स्थिर होता है, ठीक है, एक ही जगह पे बना होना। लेजी आप सभी जानते ही होंगे। नेक्स्ट मतलब आलसी होता है, लेजी का मीनिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड, मैग्निफिकेंट, मैग्निफिशेंट, ठीक है, इसका मीनिंग यहाँ पे सेम मीनिंग बताना है। चलो मैग्निफिशेंट मतलब क्या होता है? शानदार, धुआंधार, बिल्कुल बोलोगे एक नंबर, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन होगा तो बिल्कुल बोलोगे भाई मैग्निफिकेंट, या आपका ज़्यादा स्कोर रहता है तब आप बोलोगे, ठीक है, वो स्प्लेंडेड बोल सकते हो। तो स्प्लेंडेड इसका सेम मीनिंग होता है मैग्निफिकेंट का। एक यहाँ पे दिया हुआ जनरस, जनरस लाइक होता है हम्बल, काइंड, उदार टाइप का। मॉडेस्ट भी सेम ऐसा ही होता है। मैग्निमियस का भी सेम टाइप का ही मीनिंग होता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड। मैग्नीमियस मतलब भी उदार उदार टाइप का ही होता है, तो कोई दिक्कत का सीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है थर्ड, सब्स्टिट्यूशन वर्ड है कामनेस एंड इंडिफरेंस टू सफरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड जो दिए हुए हैं इसका मीनिंग अगर आपको आता है तो डेफिनेटली कर सकते हो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फर्स्ट वर्ड है आपका कामनेस एंड इंडिफरेंस टू सफरिंग। इसका जो राइट मीनिंग होगा वो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। उसका मतलब होगा लाइक द फैक्ट ऑफ नॉट एक्सप्लेनिंग और शोइंग यू आर फीलिंग वेन यू आर सफरिंग डिस्पेयर, लाइक अकेला टाइप का जब आप फील मतलब जब लोनली टाइप का फील कर रहे हो, ठीक है, देन वो जो सिचुएशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इस्टोसिज्म, ठीक है, इस्टोसिज्म, इसका मतलब होता है इस्टोसिज्म, ठीक है। आगे डिस्पेयर वर्ड आपने सुना होगा, घृणा टाइप में, वो डिसअपियर नहीं है डिस्पेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एगोनी, एगोनी लाइक अकेलापन, आप ऐसा कुछ कह सकते हो। इगोनो का अगर मैं रियल मीनिंग बताऊँ ना तो इगोनो मतलब होता है मेंटल पेन। क्या होता है? मेंटल पेन, जिसे मेंटली टाइप का पेन हो, दर्द हो, ऐसा आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, टू कॉल अ स्पेड स्पेड। ये भाई लूसेंट पे आपको एडियम देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर आपको वहाँ पे। टू कॉल स्पेड स्पेड का मतलब होता है बिल्कुल साफ साफ कह देना, बिल्कुल घुमाना फिराना नहीं कि भाई ऐसा वैसा ऐसा वैसा, नहीं भाई यहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा घुमाना फिराना कुछ नहीं, क्लीन एंड क्लियर मैं बोलूँ तो टू कॉल स्पेड स्पेड का मतलब होता है साफ साफ कहना, मतलब टू बी फ्रैंक किसी बात को, भाई आप तो बहुत फ्रैंक हो, ठीक है। फ्रैंक मतलब कि सीधा सीधा साफ साफ बोलना, ओके। सो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 5 आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वाई से आपका स्टार्ट होता है और वर्क से आपका फिनिश होता है, बस आपको PQRS वाले फॉर्मेट में ऐड कर देना है। अगर नहीं आ रहा है तो सिंपल इसका स्क्रीनशॉट निकालना, टेलीग्राम में जाना, अंशु सिंह सर्च करना और वहाँ पे इसे पोस्ट कर देना, इसका आंसर आपको वहाँ पे जस्ट मिल जाएगा 5 और 10 मिनट के भीतर। ये मैक्स टाइम है, ये मैक्स टाइम है, शायद जस्ट भी आपको मिल जाए, सो डोंट वरी, ठीक है। मैं ऑनलाइन जहाँ आऊँगा देन आपको रिप्लाई कर दूँगा, सो डोंट वरी। तो वाई आपका फर्स्ट है और वर्क्स आपका लास्ट है, बट क्रिएटर सेटर, ठीक है, शुड द ग्रेट वन ऑफ हिज मोस्ट एडरेबल, ठीक है। तो आपको बताना कि इसमें से ABCD में कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट में बताना कि अंशु भाई 5 का ABCD ये होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, चूज द राइट टैग। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, काफ़ी आज का थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आपको समझना होगा तभी आप कर पाओगे। लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं, ठीक है। डिड वी, ये तो पास्ट में चला गया। सेल वी, आर नॉट वी, आर वी, ओके, चलो भाई बोलोगे कि ठीक है। अभी मैं एक बात बताऊँ यहाँ पे क्वेश्चन 6 पे, मतलब इसका राइट आंसर तो चलो मैं पहले बता देता हूँ, वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सेल वी। क्योंकि कैसे, ये एक जो वाक है ना, लेट्स गो होम, चलो चलते हैं घर, यहाँ पे एक भाई ऑर्डर टाइप का दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? एक ऑर्डर टाइप का या वाक है जो एक आदेशात्मक टाइप का, ठीक है, जिसका क्वेश्चन टैग अपने का बनेगा लेट्स गो होम सेल्वी।
ठीक है। और इसका मैं रूल हमेशा आपको बता चुका हूँ, बार बार बताता हूँ, अगर एक पॉजिटिव में है तो दूसरा नेगेटिव में चला जाता है, अगर एक नेगेटिव में है तो दूसरा आपका पॉजिटिव में चला जाता है। सो सिंपल सा, इस क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद 7 क्यों, ही हैज बीन रिसेंटली डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज के बाद हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आपका लगता है फ्रॉम, डिस्चार्ज फ्रॉम होता है, फ्रॉम द आर्मी, मतलब कि वो हाल ही में अभी डिस्चार्ज हुआ है किससे, आर्मी से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो आपका मतलब कि डिस्चार्ज के बाद भाई फ्रॉम लगता ही है, तो अब इसमें क्या बोलूँ, डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी। ओके, क्वेश्चन 8 की ओर, आपको यहाँ पे क्या बताना है, क्वेश्चन 8 है आपका जो मतलब कि क्या है, इरर का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिए, 5 में कोई एक गलत है तो कर लेता हूँ। ही ऑर्डर्ड एस इफ ही वॉच माई मास्टर, नो इरर। मैं बताऊँ यहाँ पे क्या इरर है, अभी तक तो आई थिंक आपने फाइंड आउट भी कर लिया होगा, अच्छी बात है अगर आपने इरर निकाली है। मैं बताऊँ गलती है आपको ऑप्शन नंबर सी में, क्या गलती है, यहाँ पे वॉच की जगह पे वर आएगा। आपने कंडीशनल सेंटेंस सुने ना, बचपन पे तो नहीं बोलूँगा, क्लास 8th 9th में ये पढ़ने को मिल जाते हैं, उससे पहले भी मिलने मिल जाते हैं ग्रामर में, कि यदि मैं पक्षी बन जाऊँ, यदि मैं राजा होता, तो सिंपल सा है कि इफ़ के साथ में हमारा जो कंजक्स आई के साथ में हमारा वेयर लगता है, आई के साथ में क्या लगता है, वेयर लगता है। तो सिंपल सा यहाँ पे वॉच की जगह पे क्या लग जाएगा, वेयर लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर पढ़ते हैं, गॉड सेव द क्वीन ऑफ विक्टोरिया इरर, भगवान सेव करे ना, तो यहाँ पे आपका गॉड कोई आपका प्लूरल नहीं होता, गॉड आपके सिंगुलर ही होते हैं, तो गॉड सेव नहीं होगा, गॉड सेव्स होगा, गॉड सेव्स होगा, आई थिंक आपका भी राइट हुआ होगा, कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या होगा, गॉड सेव्स, एस ए वी ई एस, तो ऑप्शन नंबर ए पे एरर था, ऑप्शन नंबर ए पे एरर था, कोई दिक्कत, आई थिंक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ने से पहले कुछ बता देता हूँ आपको, आप में से कोई भी लोग तैयारी करना चाहते हो ऑनलाइन, सो बेसिकली आपके लिए बेस्ट है सीरीज, बेसिकली मैं बोलूँगा कोस्टगार्ड नाविक GD DB एयरफोर्स एक्स एयरफोर्स वाई या फिर SSC किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हो, नेवी SSR AA MR या फिर मैं बता दूँ एयरफोर्स एक्स एयरफोर्स वाई एयरफोर्स एक्स वाई या फिर कोस्टगार्ड नाविक DB GD के लिए, क्योंकि कोस्टगार्ड नाविक DB GD के लिए तो भाई ऑनलाइन पे कहीं अवेलेबल ही नहीं है, ऑफलाइन पे तो आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ऑनलाइन ही लगाओ क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन होता है। और यहाँ पे क्या होगा, बोथ लैंग्वेज पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, लाइव रैंकिंग देखने को मिल जाएंगे, पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा, सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत आता तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हो, बाकी जैसा आपको बेस्ट लगे। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आता है तो ऑनलाइन D50 डाल देना, 50% मतलब कि उसका प्राइस है 300 299, लेकिन आप कूपन कोड डाल दोगे ऑनलाइन D50 तो आपको 50% का डिस्काउंट मतलब 150 में 149 में ही आपको मिल जाएगा। बाकी कोई दिक्कत का सीन नहीं, अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, बाकी एज योर विश, बट भाई साहब वो आपके लिए बेस्ट है, अगर करना चाहो तो कोई दिक्कत का सीन नहीं है, वो आपके लिए मेरे अकॉर्डिंग कोई भी दिक्कत का सीन नहीं है। इफ इट वॉज सो पोएट्री वुड सीज टू मैटर नो इरर, गाइस सेम वहाँ पे आ गया, इफ इट वॉज सो, यहाँ पे अभी कुछ देर पहले मैं जस्ट आपको बताता जा रहा हूँ, कंडीशनल सेंटेंसेस में आपका वॉच की जगह पे वेयर का यूज किया जाता है, वॉच आपका नहीं लगता है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैं से इरर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए पे है, वॉच की जगह पे क्या आएगा, वॉच की जगह पे वेयर का यूज किया जाएगा, कि इफ इट वर सो पोएट्री वुड सीज टू मैटर। सो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 11 की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन मैं ऐसे ही आपको कर बता देता हूँ, ऑप्शन पे नहीं लेके जाऊंगा, नहीं तो आप इलिमिनेट कर दोगे, जैसे मैं बताता आ रहा हूं। राजू सेड टू मी कॉमन इनवर्टेड कॉमा ही प्लेज विद राइट हैंड, भाई राजू कह रहा है मुझसे, बता रहा है राजू मुझसे बोल रहा है कि वो राइट हैंड से खेलता है तो खेलेगा, खेलने दो। अब देखो यहाँ पे भाई आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है और सिंपल सा टेंस है, तो आपका यहाँ पे सेट किस में कन्वर्ट होने वाला है, टोल्ड में, हटाओ सेट वाले को और ये आस्क्ड वाला भी हटाओ, या तो आपका ए मतलब बी होगा या तो सी होगा। अब मैं एलिमिनेट करता हूँ फिर आपको वैसे भी बता देता हूँ, उसका टोल्ड मी दैट दैट ठीक है, ही यहाँ पे ही आ गया, राजू के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, कुड क्यों लगा दिया, कुड कब लगता है, जब कैन होता है तभी तो कुड लगता है ना, तो बेमतलब में कुड हटा दो, यहाँ पे कुड वाला एरर कर दो यहाँ पे, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजू टोल्ड मी दैट ही प्लेज विद राइट हैंड, इट मीन्स गाइस ये यूनिवर्सल ट्रुथ था, राजू खुद बता रहा है ना, मैं आपसे बोल रहा हूं कि दो और दो चार होते हैं, या मैं बोल रहा हूं भाई यहां से क्वेश्चन फंसेगा आपका तो फंसेगा, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रू मतलब ट्रुथ नहीं है, ठीक है, बट ये राजू बोल रहा है कि हाँ मैं राइट हैंड से बॉल करता हूं तो मैं करता हूं राइट हैंड से बॉल, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, यहां पे 12 क्या है कि द टीचर सेड टू हिम डू नॉट गो आउट, भाई टीचर या तो मना कर सकते हैं, जब हम फॉर्मेट का यूज करते हैं, जब फॉर्मेट लगाते हैं तो टू कंजक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब डू नॉट लगाते हैं तो एडवाइस अगर करते हैं तो वे नॉट टू के साथ में स्टार्ट करते हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू नॉट टू गो आउट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, तो द टीचर ऑर्डर्ड हिम, टोल्ड वाला तो काम हटा दो, कमांड वाला भी यहाँ पे हटा दो, या तो कमांडेड हिम दैट ही शुड,
सुडूड नहीं लगेगा भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही होता जा रहा है। ठीक है, तो द टीचर एडवाइज्ड हिम, ठीक है, ऑर्डर्ड हिम, ठीक है, टू नहीं लगेगा, जब डू नॉट हो तो आपका सीधा नॉट टू से करके हम कनेक्ट करके नॉट टू गो आउट, बिल्कुल सिंपल सा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा कि द टीचर एडवाइज हिम नॉट टू गो आउट, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं कि वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड दैट इट वॉज करेक्ट, हमने मनी को ऐड किया और हमने पाया कि वो सही था। ठीक है, सो देखो मैं कैसे करना है, वी एडेड अप द मनी एंड दैट इट वॉज करेक्ट, वी एडेड अप द मनी, तो एंड इसके बाद वाला हम छोड़ देते हैं, वी एडेड अप द मनी हमें पहले इसका बनाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है द मनी, लेकिन एडेड आपका क्या दिया हुआ है, आपका जो वर्ब है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, एक स्टेप वर्ब आगे से लेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब कि वर्ब आपका आ जाएगा वाज, अब किस में है वाज, इसमें तो है लेकिन यहाँ पे द मनी सब्जेक्ट बनेगा ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ही है द मनी, अब यहाँ पे हटाओ एडेड अप वाला, ये वाला हटा दो, आगे चलते हैं द मनी एडेड अप हटाओ वाज इन्होंने लगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे राइट हो गया और कुछ करने का दिक्कत ही नहीं, मैंने एलिमिनेट कर दिया, आपने भी आई थिंक कर दिया होगा कि द मनी वाज एडेड अप एंड फाउंड टू बी करेक्ट, एंड फाउंड टू बी करेक्ट, क्वेश्चन 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं कि डू यू इमिटेट अदर्स, पैसिव वॉइस बनाने कोई दिक्कत का सीन नहीं, जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब आ जाएगा, तो इज एम आर से स्टार्ट होगा। अब देखो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो सिंपल सी बात है अदर्स आपका ऑब्जेक्ट है, अदर्स मतलब कि प्लूरल होता है, तो डू पहले वर्ब है तो वर्ब से स्टार्ट होगा, तो अदर्स अभी जे आर में क्या आएगा, आर आएगा, सिंपल से बोलोगे तो आर वाले कितने हैं, ये है हटाओ वर्ब हटाओ, या तो ये होगा या तो ये होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, आर का सब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे तो अदर्स आगे आ जाएगा, तो आर अदर्स, ठीक है, या तो ए राइट हो सकता है। अब उसका बींग क्यों लगा दिया, जब आपका इज होता है, एम होता है, आर होता है वर्ब में, तब जाके हम प्लस में बींग ऐड करते हैं, बट यहाँ पे तो इन्होंने पहले से ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो इसे हम कर देंगे एलिमिनेट। सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा कि आर अदर्स इमिटेटेड बाई यू, तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, सिंपल सा है, यहाँ पे देखो किसी कंट्री, फ्रेंच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, मैं आपको बता दूँ किसी भी देश की लैंग्वेज के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, वहाँ के लोगों को अगर हम स्पेसिफाई बताएं कि द हिंदी पीपुल द इंग्लिश पीपुल, मतलब कि वहाँ के हम लोगों को बता रहे कि वो अंग्रेज लोग, ठीक है, वो लैंग्वेज नहीं है, लेकिन भाई अगर हम सीधा सीधा लैंग्वेज को शो करेंगे ना, तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, इट मीन्स गाइज ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड हियर, सो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, क्वेश्चन ही तो राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी कर दो जाके कि नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, कि फ्रेंच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज। क्वेश्चन 16 की ओर बढ़ते हैं, अब वाई ग्रुप वाले ये मत सोचना कि भाई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, आता है, साइंस के एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक, दिक्कत ना लेना, तभी मैंने ऐड किया, वन फर्मी इक्वल टू कितना, 10^-15 होता है, हाँ सही है शायद, ठीक है, वन फैराडे वन माइक्रो पे होता है, ठीक है, धारिता का मात्रक जो होता है कैपेसिटर, उसका यूनिट होता है फैराडे, ठीक है, न्यूटन यहाँ पे पूछा, बल का मानक मात्रक होता है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, MLT-2 इसका डायमेंशन होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, SI में अगर आपसे पूछ ले कि क्या यूनिट होता है, तो वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को बढ़ते हैं कि लोकनायक नाम से किसे जाना जाता है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, देखो लोकनायक के नाम से जिसे भी जाना जाता है, उनको मृत के बाद भारत रत्न मिला था, भारत रत्न मिला था, कब मिला था वो मैं बता देता हूँ, 1998 में, भारत रत्न भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, 1954 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, और लोकनायक से जिसने जाना जाता है उनका नाम है जयप्रकाश नारायण, क्या नाम है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, 1998 में इन्हें मरने के बाद भाई साहब मिला था भारत रत्न सम्मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं, 18, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई मिट्टी कहा जाता है, स्वतः मतलब खुद की जुताई की मिट्टी कहा जाता है, उसे कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, या कपास की काली मिट्टी, मतलब पूछा जाता है कि काली मिट्टी की मतलब कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी कौन सी होती है, तो ब्लैक सोल बोला जाता है। अच्छा, काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई कहां पे आती है, तो महाराष्ट्र और गुजरात साइड में पाई जाती है, महाराष्ट्र और गुजरात साइड में पाई जाती है। उसका नेक्स्ट चीज ये बता देता हूं, हो तो गया आंसर, तो मैंने बता दिया कपास की काली मिट्टी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित नहीं है, बताओ भाई, तो भारत का जो संविधान का भाग नंबर सेकंड है, संविधान का भाग नंबर सेकंड है, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग नंबर सेकंड के अनुच्छेद 5-11 तक, ठीक है, नागरिकता का उल्लेख किया गया है, मतलब कि अनुच्छेद जो 5 है, अनुच्छेद आर्टिकल 5-11 तक, इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है, लेकिन यहाँ पे भाग सेकंड में नागरिकता का संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते कि पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जो 1817 में हुआ था,
तो पाई का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये जीके का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं पहले क्लिक करने वाला था बट अपने आप को मैंने रोक लिया यहाँ पे। और कौन सा ऑप्शन राइट होगा कमेंट में, डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। बाकी डू शेयर इफ़ यू लाइक इट, अदरवाइज थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।